बैक टू एक्सप्रेस और अब आपको दिखाते हैं आज का देसी फूड। ये वो पीसी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बल्कि ये है प्यारा चरगा हाउस, जो कि वाकया है मजंग रोड सफा वाला चौक पर। आए चलकर देखते हैं ये बारबेक्यू कितनी किस्म का बनाते हैं और यहाँ का टेस्ट कैसा है, ये भी लोगों से पूछते हैं। आप कहाँ से आए? जी, मलेशिया टाउन से आए। इतनी दूर से आप यहाँ पर प्यारा चरगा खाने आए हैं, तो टेस्ट कैसा लगता है आपको? बड़ा जबरदस्त टेस्ट है और बारबेक्यू में लाहौर में इस वक्त सबसे जबरदस्त टेस्ट का हिसाब का ही है। इनके खाने की ऐसी क्या खास बात है जो आप फैमिली के साथ आए हैं? इनकी चांपे बड़ी अच्छी हैं, इनका कस्तूरी टिक्का बड़ा अच्छा है, इनकी चारी कढ़ाई भी अच्छी है, इनकी सारी चीज़ें डिशेस बड़ी ज़बरदस्त है। और फैमिली में ये है कि बच्चे भी कंफर्टेबल रहते हैं, इनका फूड ऐसा नहीं है कि ना बच्चों को कभी प्रॉब्लम हुई है, ना कोई फूड पॉइजनिंग, ना कभी कुछ, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है। और गार्लिक नान इनका खाएं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनका क्या टेस्ट है। आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने मटन मसाला किया है, कढ़ाई की है और कबाब किए हैं। इसके यहाँ टेस्ट कैसा लगा? इसका टेस्ट शुरू से ही बहुत अच्छा है, हम तकरीबन 10-12 साल से आ रहे हैं इसमें। आज मेरी बेटी की बर्थडे थी तो मैं उसके लिए आज आया हूँ स्पेशल यहाँ पे। कहीं और से आपने खाया और यहाँ से खाया तो क्या डिफरेंस लगा? इनकी एक्चुअली मसाला का जो है कम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है और खाने में सारों को अच्छा लगता है। ये बच्चे भी अच्छे शौक से खाते हैं, हम भी शौक से खाते हैं, इसीलिए। क्या खास बात लगती है इनके खाने? इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और रेट भी मुनासिब होते हैं इनके। अच्छा, कहीं और से खाया और यहाँ से खाया तो क्या डिफरेंस लगा आपको? बाकी उनकी चीज़ें फ्रेश नहीं होती हैं, स्पाइसेस ज़्यादा होती हैं, इनकी स्पाइसेस भी बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, खा के आपको बोझलपन फील नहीं होता आपको। क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। क्या ऑर्डर किया आपने? हम मोस्टली यहाँ पे मलाई टिक्का वगैरह, चिकन टिक्का या चिकन जंजर, या इनकी रिसेंटली कुछ नई डिशेज आई हैं जब से ये यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो उसमें इनके हैं वो एक हांडीज हैं, वो वगैरह अक्सर हम यहाँ पे आके खाते रहते हैं। टेस्ट कैसा लगता है आपको जो आप फैमिली के साथ आए? क्योंकि हम तकरीबन कोई 12-13 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर इमरान मलिक साहब, आप मुझे बताएं ये काम आप कब से कर रहे हैं? जी, ये काम हम माशाल्लाह कर रहे हैं 32 ईयर्स। ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया था? जी, ये काम मेरे चाचा जी मलिक इलियास साहब और मलिक नवाज साहब, इन दोनों ने मिलके इस काम को स्टार्ट किया था 1990 में। और प्यारा जी मेरे दादाजी का नाम था, उन्होंने प्यारा मेरे दादाजी के नाम से इस रेस्टोरेंट का नाम रखा। आप यहाँ पर क्या क्या सर्व कर रहे हैं? हम यहाँ पे सर्व करते हैं, हमारे पास सबसे पहले ये बारबेक्यू है जिसमें हम चीज़ टिक्का, कस्तूरी टिक्का, मलाई टिक्का, बिहारी टिक्का, चिकन टिक्का, मटन कोफ्ता, मटन चाँप, मटन कुन्ना, ये हमारे पास चीज़ें हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तानी फूड है जिसमें मुगलाई हांडी, मखनी हांडी, चिकन कढ़ाई, झटपट हांडी, खट्टा मसाला, ये हमारे पास पाकिस्तानी फूड है डिशेज। बारबेक्यू में डिमांड सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है? बारबेक्यू में डिमांड हमारे पास सबसे ज़्यादा हमारी चिकन टिक्के की है, चिकन पीस की है, मटन चाम्प की है, कस्तूरी की है, शीश तव की है। और देसी फूड में सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है? देसी फूड में डिमांड हमारे पास मुगलाई हांडी की है, हरा मसाले की है, खट्टे मसाले की है, ये तीनों हांडियाँ बहुत डिलीशियस हैं। आपके खाने की ऐसी क्या खास बात है जो लोगों का रश लगा हुआ है? हमारे खाने की क्या बात है, रश क्यों लगा रहता है, उसकी यही मेन चीज़ है कि ये हमारी अपनी रेसिपी है, खालिस मसाला जात से हम इसको रेडी करते हैं, इसकी मैरिनेशन करते हैं, किसी किस्म की मसाले में कोई मिक्सिंग नहीं होती। और इसकी खास वजह ये भी है कि हमारी रेसिपी शुरू से ही चल रही है, जो सेम वही आज तक चल रही है, इसलिए रेसिपी में हमारा किसी किस्म का कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारा मटन और चिकन
दोनों हाइजेनिक फ्रेश फूड होते हैं, डेली आते हैं। मैंने देखा है कि आपके रेस्टोरेंट का नाम प्यारा चरगा है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी चरगा तो बन नहीं रहा, तो सिर्फ देसी फूड और बारबेक्यू ही बन रहा है, तो इसकी क्या वजह है? जी, जब हमने 1990 में रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था तो तब चरगे का ट्रेंड होता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत चरगा बेचा है। 2003 तक चरगा ही बेचते रहे हैं, फिर उसके बाद बारबेक्यू का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। बारबेक्यू माशाल्लाह क्वांटिटी हमारी ज़्यादा बढ़ गई, चरगे की तरफ रुझान थोड़ा कम हो गया, इसलिए हमने वो ख़त्म कर दिया। आपके रेस्टोरेंट का टाइम क्या है? हमारे रेस्टोरेंट का टाइम शाम 6 बजे से ले के 3 बजे तक होता है, रात 3 बजे तक। आजकल वैसे गवर्नमेंट ने वो बिजली बचाओ के तहत 11:30 बजे की टाइमिंग दी हुई है, तो हम 4 बजे ओपन कर देते हैं दोपहर को और 11:30 बजे क्लोज कर देते हैं, आजकल ये टाइमिंग चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाजरीन, मेरे लिए प्यारा चरगा हाउस के स्पेशल बारबेक्यू और नान आ चुके हैं, इसको ट्राई करते हैं। इसका टेस्ट वाकई बहुत ज्यादा लजीज है, आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी फूड सेगमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।